भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर जाने जाते हैं। टीम इंडिया के इस पूर्व कोच ने एक बार फिर भारत के पूर्व कप्तान और सफलतम कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली के खिलाफ जहर उगला है। ग्रेग चैपल ने भारत के इस पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को मतलबी बताया है। चैपल का मानना है गांगुली टीम में सुधार नहीं चाहते थे, वे किसी तरह टीम का कप्तान बने रहना चाहते थे। हालांकि चैपल ने यह स्वीकार किया, गांगुली की बदौलत ही वो कोच बने थे और बाद में गांगुली की वापसी के कारण ही उन्हें पद छोड़ना भी पड़ा। ग्रेग चैपल गांगुली के खिलाफ आरोपों की छड़ी लगाते हुए यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बोला, वो गांगुली ही थे जिन्होंने मुझसे भारत को कोचिंग देने के लिए संपर्क किया था। मेरे पास अन्य काम थे, लेकिन मैंने फैसला किया चूंकि जॉन बुकानन ऑस्ट्रेलिया को कोचिंग दे रहे थे। मैं दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले और क्रिकेट प्रेमी देश को कोच करना पसंद करूंगा। वह मौका गांगुली के कारण मिला। आपको बता दें कि ग्रेग चैपल साल 2005 से लेकर साल 2007 तक टीम इंडिया के कोच थे। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम 2007 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। टीम उस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार गई थी। ग्रेग चैपल ने आगे कहा, भारत में दो साल हर मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण थे, उम्मीदें हास्यास्पद थीं। कुछ मुद्दे सौरव के कप्तान होने को लेकर थे, वह विशेष रूप से कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते थे, वह अपनी क्रिकेट में सुधार भी नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ कप्तान के रूप में टीम में बने रहना चाहते थे ताकि वो चीज़ों को नियंत्रित कर सकें। मैं टीम के भीतर कुछ संस्कृतियों और सोचने के तरीकों को बदलना चाहता था। चीज़ें खराब होने से पहले भारतीय टीम ने राहुल द्रविड़ की अगुवाई में लगभग एक साल तक शानदार प्रदर्शन किया था। चैपल ने आगे कहा, द्रविड़ वास्तव में भारत में दुनिया की सबसे टीम बनने में लगे थे। दुख की बात है कि टीम में सभी की भावना एक जैसी नहीं थी, वे इसके बजाय टीम में रहने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने विरोध किया क्योंकि उनमें से कुछ अपने करियर के अंत में थे। जब सौरभ गांगुली को टीम से बाहर किया गया तो खिलाड़ियों को लगने लगा कि अगर वे टीम से बाहर हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। आपको बता दें कि बतौर कोच ग्रेग चैपल अपनी उपलब्धियों से ज़्यादा अपने विवादित बयान और टीम के खराब परफॉर्मेंस के कारण सुर्खियों में रहे थे। यही वजह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें कोच पद से विमुख कर दिया गया था और उन्हें इसके लिए आगे नहीं बढ़ाया गया था। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब ग्रेग चैपल ने सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के खिलाफ जहर उगला हो। वो पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं।